चलो फाइनली मैं अब आपको ये अपना रेजिग्नेशन लेटर शो कर रहा हूँ। साइन और ये आपका साइन साइन कीजिए। ये समाजवादी पार्टी से आज 5 दिसंबर 2021 को मैं एक मिनट फिर से स्टार्ट कीजिए। आज 5 दिसंबर 2021 मैं और हमारी पूरी टीम समाजवादी पार्टी से रिजाइन दे रहे हैं और उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोगों को अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया गया। जो जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उस पर रोका गया है, टोका गया है और हम अगर नहीं रुके तो हमें वो लेटर दे दिया गया है कि आपको पार्टी से पोस्ट से हटा दिया गया। वो तो आपने डिटेल बताया लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आप लोगों को आना है 12 तारीख को। मैं अपना अगला कदम का आपको शो करूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा कि 12 तारीख को सिर्फ मैं ही नहीं मेरी पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि 12 तारीख के दिन। क्योंकि सुनिए मुझे जनता के लिए काम करना है तो वो काम करने के लिए मुझे कोई एक बेस चाहिए और वो बेस मैं 12 तारीख के दिन आपके साथ में शेयर करूंगा। नहीं करती है, फोन करती है, नहीं बोलती है हाँ मीटिंग आप आइए करके और ना श्री भाई फोन करते होंगे कि आओ यहाँ मीटिंग। 12 अध्यक्ष हो जैसे आप सबका बैनर पर फोटो डालते हो, जिला अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, सबका फोटो डाल रहे हैं लेकिन महिला अध्यक्ष का फोटो क्यों नहीं है? उसके लिए पूछेंगे तो बोलते हैं स्लम सेल में मेरे को तालुका अध्यक्ष का पोस्ट दिया गया है। मैं नासिर भाई के साथ में जुड़ के काम कर रहा था। नासिर भाई जहाँ भी मीटिंग लेते थे मैं इधर हाजिर होता था, हमारी टीम हाजिर होती थी। तो सिर्फ डिस्ट्रिका का बोलने का मतलब है कि तुम काम मत करो, तुम पहला हमको इन्फॉर्मेशन दो, हम बोलेंगे तो काम करना, हम नहीं बोलेंगे तो मत करना। हमने पहला मुद्दा उठाया था गटर साफ करने का यही ऑफिस के अंदर जब सिर्फ डिस्ट्रिका आके बैठता था तो मुझे बोला गया था कि मैं जब नगर सेवक था तो मैंने बहुत काम किया पब्लिक के लिए, अब अपने को काम करने की जरूरत नहीं, पब्लिक को ऐसी रहने दो, पब्लिक को सब समझ में आता है। तो मैं बोला भाई अभी इलेक्शन टाइम भी आ रहा है, समाजवादी का नाम भी करना है तो हमने अपनी मर्जी से टी शर्ट छपाई। एनसीसी के अंदर गटर साफ करने का काम चालू हुआ तो वो नाराज हो गए, ऐसे हम जो काम करते गए वो नाराज होते चले गए। और हाँ सवाल बैनर के ऊपर भी एक बात बताता हूँ कि बैनर पे से हमने श्री डिसोजा जो हमारे तालुका अध्यक्ष थे हमने इनका बैनर पे से फोटो हटाए थे। क्यों हटाया गया था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग भी काम कर रहे हैं, काम करने वाले की फोटो हमारा अध्यक्ष डालेगा और हम भी इनका डालेंगे। हमको काम करने के बाद भी हमारी फोटो इधर से हटा दिया गया और इनका जो चैनल इनके जो ग्रुप है इनकी फोटो डाला गया। फिर हमारी थोड़ी बहस हुई तो हमने भी इनका फोटो हटा दिया, हम अपनी टीम को लेके चल रहे थे, इसके ऊपर भी एक इशू हुआ था। फिर हमने अभी लास्ट में हमने एक बैनर लगाए थे, उनका ईद मिलाद का था ना, ईद मिलाद का बैनर एक नंबर पे लगा था, वो बैनर कभी हटता नहीं है। हमारे सिरिल डिसूजा तालुका अध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि बोले ये सिग्नल के ऊपर बैनर लगा और हमारा बैनर इधर से हट गया। लास्ट में हमने दिवाली के टाइम पे एक प्रोग्राम लिया तो इसको बैनर की सियासत बोलेंगे, बैनर की सियासत लग रही है। इसी वजह से आप सबका जो है अभी वो जो है रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जो भी काम हम करते हैं तो क्रेडिट वो लेना चाहता है तो हम देते हैं इसको क्रेडिट, हमारा तालुका अध्यक्ष है, हम मना नहीं करते मगर इनको भी हमारे प्रोग्राम में हाजिर होना चाहिए ना। लास्ट में जब दिवाली का प्रोग्राम हम किए थे तो मैंने इनको कॉल करके बोला था कि भाई प्रोग्राम है आपको आना जरूरी है, तो बोले मैं बेंगलोर में क्या गोवा में हूँ, मेरी टिकट हो चुकी है और संडे के दिन हमारा प्रोग्राम था, संडे को नसीम की ऑफिस में इधर मीटिंग चालू थी और हमसे झूठ बोला गया कि मैं बम्बई के अंदर नहीं हूँ। तो ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे सपोर्ट में हमको सपोर्ट कर रहे नहीं, तो इसके लिए हम अपने चैनल को लेके हमारी टीम को लेके हम चल रहे थे। मौसम जी एक छोटा सा सवाल है, जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा रख के लोग आपके साथ जुड़े पर आज दिशा भूल करने का उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जिला अध्यक्ष हमारे हम उनसे कुछ बात करते हैं तो हमको झिड़की देते हैं, वो पूरी जो बात है सिरिल डिसोजा जो तालुका अध्यक्ष है इनकी सुनते हैं, हमने इनकी रिकॉर्डिंग भी रखी है। जब हमसे बात करते हैं जिला अध्यक्ष ऐसा बात नहीं करता तालुका अध्यक्ष से, तुमको नहीं मालूम चिल्ला के बात करता है, झिड़की देता है, नहीं सिरिल जो बोल रहा है वो सही है। आज हम
तो आइए हम बात करते हैं नासिर कुरैशी साहब से, जो आज सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता के साथ जो उनकी टीम थी, चाहे वो बेसिक के हो चाहे वो माइनॉरिटीज़ की हो, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मुझे मुतबर जराए से पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि ये पूरी टीम के साथ 12 तारीख को कुछ ऐसा धमाका करने वाले, शायद ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आइए हम उनसे पूछते हैं, सर ऐसा पता चला है सूत्रों से कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए इस्तीफा दे करके, ये राजनीति? नहीं नहीं, ये आपको मैं बताता चलूं कि 12 तारीख के दिन आप आइए, 12 तारीख के दिन आपको पता चल जाएगा कि नासिर कुरैशी का अगला कदम क्या है। और ये सिर्फ मेरा कदम नहीं है, ये जो मेरे साथ में सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, जो मुझे मानते थे कि ये हमारे नासिर कुरैशी हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, जो हमारा फ्यूचर ब्राइट करेंगे, ये यहाँ पर आके जो लोगों के हित में काम करेंगे, तो ये उन सबका फैसला मैंने अपनी एक पर्सनल मीटिंग ले चुका हूँ, लेकिन बस 12 तारीख के दिन आप लोगों के सामने रखना है। माननीय मंत्री असलम शेख जी के साथ आपकी मीटिंग कराई गई है और ये पता चला है कि 12 तारीख को अगर अबू हाशिम आजमी साहब आपको नहीं मनाए या नहीं आपको रिस्पांस दिए, तो आप कांग्रेस पार्टी अपने दलबल के साथ आप ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं देखिए अभी ये सब चीज़ आपके चैनल पे बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि 12 तारीख के दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं मेरा अगला कदम क्या है। कोई पार्टी का मैं नाम अभी आपके चैनल पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे फिलहाल पब्लिक के हित में काम करना है, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म मैं आपको 12 तारीख के दिन श्योर बताऊंगा। आप आ जाए हो तो 12 तारीख को भी आप आइए, आपका वेलकम है। और आपके नहीं, सारे जितने चैनल के माध्यम से मैं उस दिन आपको बता दूंगा कि मैं मेरा और मेरी टीम का अगला कदम